हाय ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की रीडिंग आप सब ने देखी होगी और बहुत ही रेजोनेट भी की होगी आपके साथ, आई होप। सो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि वो दिल से क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं आज कि वो दिल से क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और वैसे ही लेना है आपको। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जी ले करके और तब जो है ना रीडिंग करती हूँ, और सारे ही कार्ड रीडर ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक करते हैं उसके बाद ही रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जनरल रीडिंग है वैसे ही लेना आप लोग। किसी को रिजल्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो आपके बारे में दिल से क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है उनकी, आपका ख्याल किस टाइप का आता है, क्या होता है, क्या रहता है उनके दिल में। ठीक है, तो हम सब चीज़ देखेंगे इस आज की इस रीडिंग में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में दिल से क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, कार्ड्स आ गए मेरे पास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं दिल से इनके बारे में, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो मैं पहले आपके लिए कार्ड, सॉरी, आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए भी कार्ड निकालूंगी। ठीक है, कि आप क्या थिंकिंग करते हो अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तब भाई आपको पता चलेगा कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके पार्टनर के लिए। ओके, सो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं, थोड़ी डिटेल में ही रीडिंग करेंगे हम, देखते हैं कि क्या निकलता है इस कार्ड में। ठीक है, प्लीज़ प्लीज प्लीज गाइड मी। ठीक है, सो चलो ये हो गए आपके लिए कार्ड्स, ये जो है ना आपके पार्टनर के लिए, सॉरी आपके पार्टनर, आपको लाइट नहीं दिख रही है, कार्ड्स दिख रहे हैं ना? ओके ओके, सॉरी मैंने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया। सो कार्ड्स अब आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो मैं आपके लिए अब कार्ड जो है ना वो निकालती हूँ इस डेक से, देखते हैं कि इस डेक से देखते हैं ये क्या है कार्ड आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, दिल से इनकी क्या थिंकिंग है। ठीक है, दिल से क्या सोचते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 गाइड मी, प्लीज प्लीज गाइड मी, प्लीज। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। सो ओके, मैं कार्ड्स जो है ना ऐसे निकालूंगी क्योंकि ये बड़ा डेक है और अच्छे से जो है ना सफल भी नहीं होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है सफल करने में। ठीक है, सो एक कार्ड मैं और निकालूंगी बस। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। फाइव ऑफ कप्स, ओ आपकी एनर्जी यहाँ पे लो है, आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लो फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है ना मुझे दिख रहा है कि वो माय गॉड, एट ऑफ सॉर्ड्स,
अभी दोनों की एनर्जी ही एक जैसी ही है यहाँ पे, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स भी है, यानी कि आप जो है ना, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपकी थिंकिंग, मतलब आपकी थिंकिंग जो है ना निगेटिव होती जा रही है। और आपके पार्टनर की भी यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक कि अभी की इनकी सोच जो है ना, अभी ये बहुत ही पेन में है। ठीक है, दोनों की लगभग लगभग एनर्जी सेम है, जैसी आपकी है वैसे आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है, यानी कि आप जैसा फील कर रहे हो आपके पार्टनर भी वैसा ही फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा वो फील कर रहे हैं। आप बस उदास हो रहे हो और आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे उदास, और प्लस इनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग जो है ना मुझे यही दिख रही है कि वो ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए अभी। ठीक है, ओके, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा कि क्या वो दिल से आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में दिल से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए, और यहाँ पे क्या कार्ड है, फाइव ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और कार्ड है मेरे पास द डेविल का कार्ड, और मेरे पास लास्ट कार्ड है यहाँ पे नाइन ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, दिल से आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। तो आपके पार्टनर की थिंकिंग मुझे यही दिख रही है कि आपके पार्टनर, ठीक है, देखो यहाँ साइन कोई मैटर नहीं करता है, साइन कोई मैटर नहीं करता, ये हर एक साइन के लिए है। ठीक है, तो देखो आपके पार्टनर का क्या है, वो दिल से क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो यहाँ ये मुझे दिख रहा है कि सिक्स ऑफ शॉर्ट्स है, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, सो आपके पार्टनर और आपका दोनों की फाइट हुई है, अभी हुई है या कुछ टाइम पहले फिर हुई है, जिससे आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, और नो कांटेक्ट में होने की वजह से आप लोग जो है ना यहाँ पे, आपके पार्टनर ये आपके बारे में दिल से सोचते हैं कि मैंने उनके साथ गलत किया, अपने आप को जो है ना मैंने सही दिखाया, उस टाइम मैंने बहुत ही रूडनेस दिखाई उनके सामने, उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया। तो आपके पार्टनर जो है ना, आप ऐसा दिल से सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो यहाँ ये है, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है ना निगेटिव हुई है। निगेटिव में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कहते हैं ना कि मंथन होता है ना, तो मंथन जब भी ये करने बैठते हैं आपके बारे में, तो थर्ड पार्टी बीच में घुस जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है थर्ड पार्टी की। ठीक है, और जब भी ये किसी से डिस्कस भी कर रहे होते हैं ना आपके पार्टनर, तो थर्ड पार्टी का क्या होता है कि उसमें गलत ही चीज़ें डालें, सही चीज़ें नहीं डालें, गलत चीज़ें डालें और गलत आपको प्रूफ करें। ठीक है, इन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में ये है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, और कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि नाइन ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। तो यहाँ आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ दिल से आपके बारे में जब भी सोचते हैं, आपकी याद, एक तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत उनको लगती हो, आप ऐसी हो जैसे कि लेडी हो या फिर कोई मैन ही हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपके पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करती हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक होता है ना कि अंदर से जुड़ा हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, और हम उसकी तरफ से ही, उसकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, आपके पार्टनर दिल से सोचते हैं आपके बारे में, और जब भी सोचते हैं उनको क्या होता है, उनको बेचैनी होती है, उनको रोना आता है, वो इतनी तकलीफ, इतना पेन महसूस करते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। देखो अभी की भी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, मैंने बताया ना कि ये आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है। देखो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो यानी कि ये वाली एनर्जी आपकी हो सकती है और ये वाली आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी वाइस वर्सा होगी। ठीक है, हो सकती है। तो ये कार्ड मैंने आपको उसी समय देख के बताया था कि
आपके पार्टनर जो है ना यहाँ बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में है, और देखो यहाँ पे 8-9 ऑफ शॉर्ट्स भी आया है जो कि मुझे बता रहा है सेम एनर्जी कि उनको इतनी तकलीफ़ हो रही, इतना पेन महसूस हो रहा है कि वो रोना धोना स्टार्ट भी कर देते होंगे। जब उनको ज़्यादा याद आने लगती है ना, वो बर्दाश्त की भी हद होती है, ठीक है, तो वो बर्दाश्त जो है ना इनसे नहीं हो पाता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत रोते हैं रात में जो है ना, उठ उठ के बैठ के रोते हैं ये, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके बारे में। जब भी ये दिल से सोचते हैं आपका, आपका जब भी ख्याल आता है तो इनका रोने के बाद क्या होता है, इनको इनका मन करता है, इनका दिल करता है क्या कि चलो एक्शन ले लेते हैं, चलो एक्शन ले लेते हैं। तो एक्शन लेने का क्या है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इनको लगता है ना अब बेचैनी हो जाती है इनके अंदर, इनके इनके जो है ना कह सकते हैं इनके ख्याल और इनका जो इनकी सिचुएशन जो होती है ना कि बदल जाती है। इनका लगता है, इनको लगता है ना कि अब मुझे जो है ना, अब मुझे लेने चाहिए, अब मुझे स्टेप लेने चाहिए, मैंने बहुत देर कर दी, अब नहीं देर कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे अब एक्शन लेना चाहिए। इसलिए 6 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया है, यानी कि ये पर्सन जो है ना, ये अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अपने पुराने रिलेशन को सही करना चाहते हैं। सॉरी मैं बहुत थक गई हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग। यहाँ पे यही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो है ना एक्शन लेने के मूड में है, ठीक है। ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को सही किया जाए, क्योंकि ये इस एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। ये दिल से आपके बारे में सोचते हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मैंने गलत किया, इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा फील होता है, और इसलिए जो है ना ये पर्सन एक्शन लेने चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके आप क्या सोचते हो इनके बारे में दिल से। ओके, द हैंगमैन 3 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे है मेरे पास 5 ऑफ वैंड्स अगेन। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है यहाँ पे, देख लो इनके इनके कार्ड में भी आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आई है, और यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। देखो यहाँ पे 3 ऑफ शॉर्ट्स है, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, कार्ड्स आई होप आप लोग को दिख रहे होंगे। ओके, सो कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो देखो यहाँ पे क्या एनर्जी है, आप दिल से क्या सोचते हो उनके बारे में। देखो पहले तो है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है या फिर आपकी फैमिली हो सकती है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से या फिर आपके पार्टनर के साथ ही आपकी बहुत लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे 5 ऑफ शॉर्ट्स आया है ना, और यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स क्या है, यहाँ शॉर्ट्स है और यहाँ पे वैंड्स है, दोनों में ही लड़ाई हुई है, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है, ठीक है। या फिर इनके आपकी फैमिली भी अगेंस्ट है और इनकी फैमिली भी अगेंस्ट है, कुछ जो है ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस टाइप की एनर्जी की। यहाँ पे कोई जो है ना, कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को साथ नहीं होने दे रहा है, दोनों की तरफ से ही मुझे दिख रहा है, दोनों की तरफ से, ठीक है। एक कोई पर्सन आपकी तरफ से भी है और कोई पर्सन उनकी तरफ से भी है, जिसके कारण से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। अब देखो आप क्या दिल से सोचते हो, ठीक है। ओके, सो ट्रेन आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि यहाँ आप सोच रहे हो दिल से उनके बारे में, आप ये सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तो आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, जिसके कारण से आपका बहुत ही दिल दुखा है, बहुत आपका जो है ना, आपका दिल इस पर्सन ने तोड़ा है, इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है, आपके इमोशंस की इस पर्सन ने कोई परवाह ही नहीं की, ठीक है। और ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कि कुछ एकदम बहुत बहुत ही पेन आपको हुआ है, और अभी भी आप पेन में ही हो, आप अभी भी आप खुश नहीं हो, तभी तो बॉटम ऑफ द डेक देखो ना ये कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैंने कहा है ये देख के, क्योंकि आप खुश नहीं हो, तो यहाँ पे कार्ड भी कुछ ऐसी वाली ही एनर्जी आई है, 3 ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि दिल टूटा है आपका, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत तकलीफ दी, आपने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है यहाँ पे, ठीक है। आप
आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ पे डीप थिंकिंग चल रही है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्टेप क्या लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यही वाली एनर्जी दिख रही है। आप जो है ना आप फंसे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो आप दिल से सोचते हो इनके बारे में, तो ये सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए इस पर्सन के लिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है कि आप इनके बच्चे की माँ भी होंगी, हो सकता है कि आपका रिलेशन किसी मतलब आपकी शादी किसी और के साथ हो गई हो और आपका ये पर्सन हो, मतलब आप दोनों का जो है ना एक भूले बिसरे जो होते हैं ना कि कहीं मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। ओके, तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप उनसे शादी करना चाहती हो, अगर शादी नहीं हुई हो तो शादी की चांसेस मुझे दिख रहा है कि आपके दिल से चाहत है। आप इनके बारे में जब भी सोचते हो तो इनसे चाहते हो कि मुझे मेरी शादी हो जाए, मैं जो है ना इनसे कह सकते हैं कि अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में जो है ना यहाँ पे आप सोचते हो। ठीक है, शादी के बाद जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सब चीज़ें आपके दिल में आती हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, तो आप जो है ना अपने रिलेशन्स को आगे ले जाना, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन भी आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्या है, ये पर्सन आएंगे, देखो एस ऑफ कप्स है और यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन ये कप लेकर के आएंगे तो आपको ये कप जो है ना आप उनको दोगे अपना कप। ठीक है, यानी कि आप दोनों की ही चाहत है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपना लव दो, लव प्रपोजल दो। ठीक है, यहाँ कोई एक बंदा या बंदी या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि अपने पर्सन से मूव ऑन कर जाए। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा दिल से वो सोच ही नहीं रहे आपके बारे में और आप भी नहीं सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बस प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप दिल से उनके बारे में सोचते हो कि वो पर्सन मेरे पास आ जाए और हम दोनों की फैमिली बने। ठीक है, और आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि ये ताउम्र अब साथ रहा जाए, ऐसे अलग अलग रहना अच्छा नहीं लगता अब। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो मैंने रीडिंग किया और ये मुझे मिला कि आपके पर्सन, मैंने आपको बताया कि वो दिल से क्या सोचते हैं आपके बारे में, और यहाँ पे आप भी क्या सोचते हो दिल से उनके बारे में ये मैंने बताया। चलो कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के कि क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा मैसेज नहीं निकालूंगी। ठीक है, कुछ कार्ड्स निकालेंगे, कुछ मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, ओके, फैमिली और आप किसे चूज़ करूँ, तो ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़ है कि किसे चूज़ करें ये। ठीक है, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, नज़र के सामने जिगर के पास तुम रहते हो। ये ना है सॉन्ग, यही है ना सॉन्ग। आज भी तुझे याद करता हूँ, हर रात करता हूँ। ठीक है, आज भी वो आपको याद करते हैं और हर रात में याद करते हैं, नाइट में। ठीक है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये है सॉन्ग, है ना तेरे नाम का। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है ना, ये है लव, लव लव कनेक्शन, यानी कि आपके पार्टनर अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।